डैज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी नाजिम दारुल उलूम सैयद शाह एहसानुद्दीन कासमी साहब ज़िला नलगुंडा और सदर जमीयत उलमाए हिंद और मैं और खुसूसी मेहमान आदि रेड्डी साहब सर्कल इंस्पेक्टर और साक्षी पेपर के डिस्ट्रिक्ट के करस्पॉन्डेंट और चीफ डिस्ट्रिक्ट के और आपके दोस्त वगैरह जो आज यहाँ हाजिर हुए हैं इस फोर्स फिटनेस क्लब के लिए जिसमें नौजवानों को तैयार करने के लिए जिस्मानी सेहत के लिए आजकल नौजवान सबसे ज़्यादा गुटखा गांजा वगैरह में सब मुलविस होके अपनी बॉडी और सेहत को ख़राब कर ले रहे और हर बच्चे को ये चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखे, हर यूथ को चाहिए कि सेहत का ख्याल रखे, इसलिए कि आजकल की ग़िज़ाएँ बिल्कुल कमज़ोर और मिलावट शुदा ग़िज़ाएँ हैं जो फूड मिल रहा, तो कम अज़ कम अपनी जो फिटनेस के लिए पूरी कोशिश करते हुए जिम को जाना और एक आदत बनाए अपनी सेहत को ख्याल रखते हुए अपने दोस्तों के साथ भी सबको शरीक होने के लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। आज जो लोग शरीक हुए उन सबको मुबारकबाद देता हूं। अपने अपने दोस्तों को तरगीब दें कि जिम में आप शरीक होते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें और सेहत बनाए और दूसरे बुरे आदतों से छुटकारा करते हुए अपनी जो है सो पूरी तवानाई तालीम और सेहत की तरफ खर्च करें, एजुकेशन और अपने जो है सो हेल्थ के लिए कोशिश करें। मैं इन चंद बातों के साथ अपने जो मुझे मौका दिया करते हुए मैं ख़त्म करता हूँ। अंदर की नमस्कार। ईरोजु फोर्स जिम रेनोवेशन चेसना दीन का ओनर रिजवान गार की अदे विधा मा आरय गार इंतियाज गार की वेदिक अलंकना रमेश गार की अदे विधा कलीम बाई की अदे विधा మత పెద్దలకు మా గోపి గారికి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ముందుగా నేను చెప్పేది ఒకటే యువతకి, పోలీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు సొసైటీలో డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, డ్రగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని బంద్ చేసి అదే వేలో మన బాడీ ఫిట్నెస్ని ఒక అడిక్షన్ లాగా తీసుకొని దీని కానీ పెట్టుకుంటే రన్నింగ్ కానీ వాకింగ్ కానీ లేదా జిమ్ ఫిట్నెస్ కానీ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మేము డైలీ సెటిల్ ఆడతాం, మాకు అడిక్షన్ లాంటిది, అది గుడ్ అడిక్షన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ అన్నమాట। ఆ యొక్క అటువంటి అడిక్షన్ తీసుకొని ఈ యొక్క ప్రతి పోరగాళ్ళు కూడా ఇప్పుడున్న యువత బాడీ ఫిట్నెస్లో ఉంచుకొని హెల్త్ బాగా కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను। థ్యాంక్ యూ। जनाब आज रेड्डी साहब सीई और उनके आए हुए मौजूद मेहमान और हमारे शहर के नामवर लीडर और रहनुमा पेशवा सियासी समाजी सकाफती जनाब अहमद करीम साहब और जनाब साहब
जो हमारे रिजवान साहब के वालिद हैं जो इस जिम को खोल रहे हैं, उस्ताद जनाब महमूद साहब और दीगर हजरात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ फिर से एक जिम की नशत सानिया हुई है। ये बच्चों को, खुसूसन नौजवानों को तंदुरुस्त बनाने और उनको सेहतमंद बनाने की ये तरतीब है और उसका ये सिलसिला है। गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मुमिनुल क़वी खैरु मिनल मुमिनिल ज़ईफ़। जो मजबूत मोमिन होता है और कवि और ताकतवर मोमिन होता है, वो कमज़ोर के मुकाबले में बेहतर होता है। और एक अरबी मसल है कि अक्लुन सलीमुन फी जिस्मिन सलीमिन। अक्ल सलीम जो होती है वो सालिम यानी बेहतर तंदुरुस्त जिस्म के अंदर होती है। लिहाजा अक्ल सालिम हो और इस दीनी एतबार से आदमी सही हो तो ये हर दो जगह फजीलत की बात है। तो ये बहुत नेक मकसद के लिए खोला गया है। आजकल हमारे नौजवान मुख्तलिफ मशागिल बिलखुसूस सेल फ़ोन के अंदर, और वो भी जो है ऐसे सेल फ़ोन जो फवाहिश और मुनकरात और तरह तरह की ख़राबियों पर मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर 24 घंटे मशगूल रहते हैं। उनकी सलाहियतें पूरी की पूरी मुर्दा होकर रह गई हैं। कभी जो क्रिकेट खेलते थे, खिलाड़ी होते थे, फुटबॉल खेलते थे और तरह तरह के खेलों के अंदर नाम कमाते थे और अवार्ड हासिल करते थे, आज वो सब के सब घरों के अंदर कैद हैं और इसी जो है बुरी लत के अंदर, लालच के अंदर गिरफ्तार है। बहरहाल हम मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि वो कुछ वक्त ज़रूर अपना ये जिस्मानी सेहत के सिलसिले में और इस जिम के लिए फारिग करें और अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं, कौम के लिए और मुल्क के लिए एक ऐसा इंसान बनाएं कि जिसको देखकर अपनी कौम को भी फ़ख्र हो, मुल्क को भी फ़ख्र हो, ख़ानदान को भी फ़ख्र हो। बस अल्लाह ताला हमसे दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए, ख़राबियों से बचाए। फ़ीस कम भी रखी गई है ताकि आप हजरात के अंदर रग़बत हो और आपको यहाँ से इस्तेफादा करने में सहूलत हो। ये रियायत बतौर ख़ास रखी गई है, आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हों।
జిమ్ వాళ్ళు రెనోవేషన్ చేసి అధునాతనమైన పరికరాలతో పబ్లిక్ అందరికీ దాన్ని యాక్సెస్లో తీసుకొచ్చారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి యువత వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కోసం బాగా కష్టపడి వాళ్ళ హెల్త్ని కాపాడుకోవాలని, డబ్బు కంటే కూడా హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గ్రహించి వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కాపాడుకోవాలని बात कर रहा हूँ फोर्ट जिम भास्कड़ा इसके अपोजिट 2013 में इनाग्रेशन हुआ था. फिर रिनोवेशन के साथ न्यू इक्विपमेंट के साथ पूरा नया इक्विपमेंट है. आप लोग आके सब एक्सरसाइज कर सकते हैं. टाइमिंग्स मॉर्निंग 5 o'clock से 9 o'clock और इवनिंग 4 o'clock से 10:30 तक मैं अवेलेबल रहूँगा. इंशाल्लाह वीकली 3 days रहूँगा यहाँ पर. थैंक यू. ये रोज़ फोर्ट जिम इनाग्रेशन जरिंद इकड़ा हैदराबाद नीचे वे मैं रिजवान गार रोज अवेलेबल उठा जिम మార్నింగ్ 5 నుంచి 10 వరకు మరియు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 10:30 వరకు అవైలబుల్ ఉంటారు. కాబట్టి మీరందరూ జిమ్లో జాయిన్ అయ్యి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలరు, మీ ఆరోగ్యాన్ని దృఢంగా చేసుకోగలరు. జిమ్కి అడ్రస్ జిమ్ శ్రీ లక్ష్మీ టాకీస్ భాస్కర్ టాకీస్ ఆపోజిట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంది.